सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड सब टेक्नो। तो गाइस, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जून 2021 का एग्जाम देने वाली हैं। उससे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं, और दूसरा असाइनमेंट कब सबमिट करने हैं, तीसरा एग्जामिनेशन फॉर्म कब रिलीज होगा और कब आप लोग फिल कर पाएंगे, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी को जानने हैं, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं कौन से नहीं है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। उन सभी पर बात करेंगे आपकी एग्जामिनेशन फीस को भी लेकर पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, कंप्लीट देखें, ताकि आप सभी को पूरे पॉइंट्स क्लियर आउट हो जाएं। फिर भी कोई क्वेरी बचती है, वैसे तो नहीं बचेगी, बचती है तो कमेंट बॉक्स में और इंस्टा पर डीएम कर देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करें। सो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, एलिजिबल स्टूडेंट फॉर जून 2021 एग्जामिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सारे ही बच्चे एलिजिबल हैं जिन बच्चों ने जुलाई 2020 में किसी भी सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं जून 2021 का एग्ज़ाम देने के लिए। फिर उसके बाद में वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने जुलाई 2020 से पहले एडमिशन लिया, वो सभी भी एलिजिबल हैं, बट सम कंडीशंस, जो कि क्या हैं वो कंडीशन, उस पर हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में वो सभी बच्चे जिन्होंने जुलाई 2020 में रजिस्ट्रेशन कराया, चाहे सेकंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव ईयर और सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं जून 2021 के एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। ठीक है, उसके बाद में एक और पॉइंट आता है कि उन बच्चों का क्या जिन्होंने जनवरी 2021 में अपना एडमिशन लिया है इग्नू के अंदर किसी भी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम या फिर आपका जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसमें, जो कि सेमेस्टर वाइज होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ईयरली बेस्ड होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सेमेस्टर वाइज हैं। तो गाइस, यहाँ पर जिन्होंने जनवरी 2021 में सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में CBCS को छोड़कर एडमिशन लिया है, वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं जून 2021 के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। उसके साथ ही एक और कंडीशन आती है आप सभी के लिए, वो सभी बच्चे जो प्रोमोटेड हैं जुलाई 2019 सेशन के, वो बच्चे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 में कर दिया था, वो सभी एलिजिबल हैं। यहाँ पर जनवरी 2021 के भी एलिजिबल हैं, बट सम कंडीशंस जो कि आगे मैं बात करूँगा। सो रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 में आपने कर रखा है, जुलाई 2019 के स्टूडेंट आप सभी एलिजिबल हैं जून 2021 के एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। उसके साथ ही वो सभी स्टूडेंट जो फरवरी 2021 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और किसी कारणवश वो किसी एग्ज़ाम में कोलैप्स कर जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, वो सभी भी एलिजिबल हैं जून 2021 के एग्जामिनेशन में सेम के लिए अपेयर होने के लिए। और उसी के साथ ही एक और पॉइंट आप सभी का, वो सभी स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं जो फरवरी 2021 के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल थे बट किसी भी कंडीशन वश अपना एग्जामिनेशन नहीं दे पाए हैं, वो सभी स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं जून 2021 के एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। उसके साथ ही वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2021 में रजिस्ट्रेशन किया है या फिर एडमिशन लिया है सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं आपके जून 2021 के एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। ठीक है, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम हैं, जैसे आपका CFN, CNC, CLI, BCA, MCA एसेक्टर, आप सभी के वो एग्ज़ाम प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं जून 2021 के एग्जामिनेशंस को देने के लिए, बशर्ते आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, एडमिशन वैलिड होना चाहिए। उसके साथ ही एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने जनवरी 2021 में रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे वो जनवरी 2020 वाले बच्चे हों या फिर जुलाई 2020 के और जुलाई 2019 के, सॉरी जुलाई 2020 नहीं, जुलाई 2019 के उन बच्चों ने जनवरी 2021 में रजिस्ट्रेशन किया, तो वो भी एलिजिबल हैं बट थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस के लिए, नॉट फॉर द होल ईयर के लिए। ठीक है, तो ये बात याद रखना। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आप CBCS के स्टूडेंट हैं, आपका जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर वाइज है, उसके साथ ही आप लोग जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो ईयर एंड पे होता है, बाकी आपका कॉन्सिक्यूटिव सेमेस्टर पे जो आपकी ईयरली साइकिल है, जो कि इग्नू में 2 times होते हैं एग्ज़ाम, उसमें कंडक्ट होते हैं, उसमें आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने जनवरी 2021 में रजिस्ट्रेशन किया है CBCS प्रोग्राम के, चाहे BA के हों, BSc के हों, BCom जी के, वो सभी जून 2021 के अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, वो दे सकते हैं, ना कि फोर्थ सेमेस्टर का। याद रखें, फोर्थ सेमेस्टर का वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं जिन्होंने जुलाई 2020 में अपना रजिस्ट्रेशन किया है
वो बच्चे। ओके, उसी के साथ वो सभी स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं जिन्होंने फरवरी 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फेल हो गए या फिर नहीं दे पाए, वो सभी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं एक और जो आपके माइंड में डाउट चल रहा था, जो कि मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, वो सभी बच्चे जो CBCS प्रोग्राम के हैं जिनका सेमेस्टर वाइज है। गाइस, बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि नहीं वो एलिजिबल नहीं है जिन्होंने जनवरी 2021 में री रजिस्ट्रेशन किया है, बट आप लोग एलिजिबल हैं बिकॉज इग्नू की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो गाइस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि कौन से स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल नहीं है जून 2021 के एग्जामिनेशंस को देने के लिए। यहाँ पर वो सभी बच्चे जिन्होंने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है किसी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, और CBCS के वो स्टूडेंट भी जिनका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, बट फर्स्ट एग्ज़ाम आपका जैसा कि आपको पता है ईयर एंड पे होते हैं और बहुत से बच्चों को नहीं पता, बट आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है, बेशक आपका प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज है बट फर्स्ट एग्ज़ाम आपका ईयर एंड पे होता है, तो आप लोग भी एलिजिबल नहीं हैं। आपके जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2021 में होगा, उसके बाद से आप सेमेस्टर वाइज अपेयर कर सकते हैं। सो वो बच्चे एलिजिबल नहीं है, बाकी सभी बच्चे एलिजिबल हैं जिनकी मैंने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, जो कि है आप सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर। सो गाइस, एग्जाम फॉर्म की बात करें तो गाइस 15 मार्च की बात से देखने को मिल रहा है कि आपके जो ऑफलाइन सबमिशन है असाइनमेंट के वो स्टार्ट होने वाले हैं। उसी के साथ ही आप सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म भी जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा, वो देखने को मिल जाएगा आपके मार्च के एंड वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में। आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है जून 2021 के एग्ज़ाम के लिए वो भी रिलीज़ कर दिया जाएगा इग्नू की ओर से। सो उसके साथ ही बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और गाइस यहाँ पे एक और बात आप सभी के लिए जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी फ़ीस को लेकर। तो गाइस यहाँ पर जो फ़ीस है आपकी वो पर कोर्स 150 रुपीज़ है, जैसा कि आप सभी को पता है। उसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात उन सभी बच्चों के लिए जो भी प्रमोटेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने जून 2020 में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया था, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी की जो फ़ीस है एडजस्ट कर दी जाएगी, तो आपको दोबारा से फ़ीस पे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी के असाइनमेंट सबमिशंस को लेकर कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या रहेगा प्रोसेस, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है, उसको भी देख लेना जिसमें मैंने दोनों ही बातें क्लियर की हैं। उसके साथ ही एक और अपडेट है, आप सभी को नोटिस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं इस नोटिस की। सो गाइस आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देनी है, जो आपके असाइनमेंट सबमिशन है उसका ऑफलाइन स्टार्ट होने वाले 15 मार्च के बाद से, तो आप लोग अपने असाइनमेंट को ऑफलाइन भी जाके अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट कर सकते हैं, जैसा कि आपकी RCs बताती हैं, बट फिलहाल ये RC ने रिलीज़ किया है तो आप लोग इसे देख लेना। अगर आपकी ये सेम RC है तो आप लोग जाके सबमिट कर सकते हैं, 15 मार्च के बाद से आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा असाइनमेंट सबमिशंस का। सो गाइज ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हमने बात की जून 2021 के एग्जामिनेशंस को लेकर कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ आप सभी के लिए, अगर आप लोगों ने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो। सो फर्स्ट पॉइंट पे हमने बात की कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं जून 2021 के एग्जामिनेशंस को देने के लिए। उसके बाद में हमने बात की आप सभी में से कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं जून 2021 के एग्जामिनेशंस को लेकर। फिर उसके बाद में हमने बात की एग्जामिनेशन फॉर्म की, कब निकलेगा, क्या फ़ीस रहने वाली है, बहुत सारी बातें, और साथ ही हमने बात की जो प्रमोटेड स्टूडेंट हैं उनको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, तो उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। उसके साथ ही हमने फोर्थ पॉइंट पे बात की थी आपके असाइनमेंट सबमिशन प्रोसेस को लेकर, जिसमें हमने ऑफलाइन सबमिशन और आपकी जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाले है उसके संदर्भ में आप सभी से बातचीत की। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आप सभी को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इसके रिलेटेड में जून 2021 के एग्जामिनेशन को लेकर वो सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई भी क्वेरी मेरे ख्याल से नहीं बची होगी, अगर बचती है तो कमेंट बॉक्स में और इंस्टा पे DM कर देना। तो गाइस मिलते हैं एक और वीडियो में, और हाँ ये वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं ताकि और भी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।